डबल लाइन रहेंगे नहीं तो हम कर रहे आपकी गाड़ी क्यों दे रहे। वो कह रहे अब कोई नाटक में एक्टर को पार्ट मिला पाए तो वो बेचारा डायरेक्टर ने हर एक को अपना अपना पार्ट मिला है, किसी किस को क्या बोलना है सब फिक्स है। इसीलिए डबल लाइन बनो, हल्के बनो, कर्मों की भी गति को जानो। एक बहुत बड़ी ड्रामा की सीक्रेट बात आपको सुनाता हूं। आपके घर के जितने लोग हैं, बच्चे हैं, पति हैं, पड़ोसनी हैं, बेटा हैं, ये आपके ही कर्मों को शुद्ध करने वाले लोग हैं। कोई देने के लिए कोई आपसे, जिन्होंने इस हुई गति को समझ लिया वो हल्का रहेगा, वो फरिश्ते बनेंगे। फरिश्ते मतलब जी जगह पर रखा है उसका चेहरा सहनशील बन करके रहेंगे, सदा क्षमाशील होकर के रहेंगे। वही फरिश्ते, फरिश्ते मतलब ऐसे नहीं कि ब्रह्मा कुमारी बनने के बाद कोई पंख छूटना शुरू हो जाएगा। और जो ऐसा रहता है, हल्का रहता है, वो अश्विनी स्थिति में रहता है, सदा आत्मिक स्थिति में रहता है, सदा विष्णु स्थिति में रहता है, वो अतीन्द्र सुख में खोया रहता है। और ऐसा व्यक्ति सबके प्रेरणा का स्रोत है। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे कर्मों की घुई गति को समझो। एक बहुत